करूंगा तुझे ही दिन रात में, मेरा जहां तुझसे है वादा मेरा खुद से है, छोड़ूंगा कभी ना तेरा साथ में। चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार, मैं का मैं का अब ना भाई, हमें तुमसे हो गया प्यार। चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार। सिंगल था क्यों मिंगल हो गया, छोरी ने साथ लव का एंगल हो गया, अच्छा बासा सिंगल था क्यों मिंगल हो गया। होने वाली है, हाय मेरे रब्बा, इसकी वेडिंग होने वाली है, सातों जन्म की अब तो स्टेजिंग होने।
Oh, yeah.
चुनरिया ओढ़ ली तूने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली तूने जब से पिया के नाम की। तेरे पिया भी माध्यम से आज नारी आरे की रेखी में आन पड़ी है और हम देख रहे हैं बिल्कुल कन्यादाता और अपने संबंधी भाई की अभिनंदन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका स्वागत करते हुए और संबंधी भाई जल प्रवाह करेंगे पहले।
और स्वास्थ्य ने जो शर्मा स्वामी स्वास्थ्य ने जो अरिश्ने हाथ में हाथ मिला के धक्का नहीं लगे I'm gonna go get some more.
साक्षात् ब्रह्म ब्रह्मणे तस्मै श्री गुरुवे नमः पूज्यामि स्थापयामि श्रीमन् कलशकुं देवतम नपिरग्दो ताय नमः स्वाहा सर्वतीरत परिपूर्ण भवन्तु वयो नमः स्वाहा। और पश्चात अब सूर्यादि नवग्रह देवता को ध्यान करो। और आज सूर्य भगवान का दिन है, आज रविवार है और बढ़ती हुई चंद्रमा है और साथ साथ सावन मास की पावन मास है, जिस पवित्र मास के अंतर्गत आज विवाह संस्कार यहाँ पर संपन्न होने जा रही। द्वार पूजा में ग्रह देवता के विनय और पूजा करो। बृहस्पति गुरु देवता, शुक्र देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सर्व संकट हरण देव शनि शनिश्चराय नमः। हरु
Thank you.
Yeah.
अरे द्वारे पे आए रमा सुंदर कोलाहा पर चल को यही देखो सखिया
I want to see your blue socks. We don't want that.
Where are we going? Where are we going? We're waiting for the priest to call us. It's unfair. That's really unfair. ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासाय के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमो यस्तु ते नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति इंद्रियों को शुद्धि करें। आज विष्णु रूप में आपकी आगमन के पावन द्वार पर हुआ। ठीक है ओम वाणी वस्तु मुख में नाखों में नरसोर में प्राण वस्तु आंखों में अक्षोर में चतुर्मस्तु कानों में करलोर में मस्तु ओम बाहुर में बलमस्तु ओम जोर में अजर वस्तु हृदय में शांति वस्तु कर्षितोर स्थान में पंचतरुआ में ओम हस्त प्रक्षालन विनियोगा ओम पैती धारणी पैती पहलो और फूल अक्षत ले लो। और चले हम लोग सबसे पहले आज आपका आगमन हुआ है और कन्यादाता आपको मधुपर्क कराएंगे। मधुपर्क का मतलब आज है मधुरता से भरी ये मधु है जिसमें स्वादिष्ट है और उसकी स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। मधु से हर संकट हर दुख हर बीमारी दूर होती है और मधु ही मार्गदर्शन देते देने वाली हर क्रियाओं में। मधु पर कन सिंधु जी बात ओ मधु पर कन मधु पर कन अर्पणम ओ मधु पर कन मधु पर कन ओके रख दो राइट अनिल कपूर को और मैं आपके पल्लो हो खुले तो अच्छा थोड़ा फूल दे दे एक आम की पत्ती तो तुम लो के ओम हस्त प्रक्षालन हाथ पवित्र कर लो हस्त प्रक्षालन विनियोगा हस्त प्रक्षालन विनियोगा ओम गणानंत वागुंगवामहि निधनंत वालिरपति गुंगवामहि प्रियवंत वा प्रियापति गुंगवामहि वसु मम अहम जानी अधर गर्भ जासी घलमम ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न इंद्रो पूषा विश्वेदालंबुदराय नमः एकदंताय नमः पार्वती तेरंदनाय नमः ओम अर्थध्यानं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारिणं गगनसदस्यमेघवर्णनं सुभाननम् लक्ष्मीकंतं कमलनयनं योग विद्याधारणं वंदे विष्णु भवैहरणं इष्टदेवता भयो नमः कुलदेवता भयो नमः ग्रामदेवता भयो नमः यस्थान देवता भयो नमः गणगणपतये नमः विभा संस्कार प्रकारम्भं करिष्ये पारब्रह्म भगवान् नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गणेश जी का ध्यान कर लो क्योंकि प्रथम पूजन के अधिकारी हैं और इसके बाद में नवग्रह के बाद में कन्या लग्न मंडप में आएगी जहां पर पूर्ण रूप से विवाह संस्कार। हरि ओम गजाननाय नमः काली कपाली दुर्गाथना शिवाधात्री श्रद्धा स्वाहा नमोस्तुते सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सिंहवाहिनी हिंगला ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा मैया नमस्तस्य नमस्तस्य गणगणपतये नमः ओम आवानं याजमणियं समर्पयामि
प्रयाणी और अब श्री आदि नवग्रह देवता को नमस्कार करते हुए हम लोग पुनः कन्या लग्न मंडप के अंदर में आएगी, जहाँ पर और विवाह संस्कार निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। आज रविवार का दिन है, सूर्य भगवान की पवित्र दिन है। रविवार सूर्य भगवान का ही दिन है। सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि देव, और शनि देव महाराज इस समय राजा बने हुए हैं ये संसार में, इसलिए बहुत बड़ी दुख और संकट हर घर में रहेगा। आज इस पावन वेदी पर बैठे हुए विष्णु रूप में आप कन्यादाता के साथ पूजन और प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि नवग्रह देवता आपकी कृपा व आशीर्वाद की मार्गदर्शन मिलती रहे और जीवन में कोई संकट ग्रह और कलेश ना आन पड़े, यही अर्ज लिए आज ग्रह रहित हो जाएंगे और तब विवाह संस्कार संपन्न होगा पूर्ण रूप से। अपने नाम को अपने हृदय में ले लेना। आज शायद जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर अपने अपने नाम को अपने हृदय में ले लेंगे, किसी के ऊपर कोई ग्रह संकट आने को है, अब रुकियो टल जाएगी। ओम नवग्रहायाधीपते नमा। ओम मंगल ग्रह देवताधीपते नमा। ओम बुध ग्रह देवता बृहस्पति गुरु देवता शुक्र देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता शनि सिरताजाय नमा। शनि आधीपते नमा। शनि सूर्य पुत्राय नमा। सर्व संकट हरणं देवं हरु करा हरु संकट हरु कलेश। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुणांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु सुख शनि राहु केतु आये। सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु आवान व्यासमनियं। ठीक है मुन्ना, थोड़ा लपक के टीका दे दो। तिलकं चा महापुण पवित्रम पापनाशन हलदातं नव वेद्यं धूपम दीपम लौंग लैची अर्पणम समर्पयामि। ओम सर्वकार सिद्धि में दर्भ दक्षिणां समर्पयामि। ओम नमस्कार समर्पयामि। सर्वे ग्रह लग्न मंडप में के अंदर में कन्या सहेलियों के साथ या भाइयों के साथ या अपने माँ के साथ प्रवेश। अपने विवाह संस्कार के कार्यक्रम में आज भगवान की विशेष कृपा और अनुग्रह है, जिसके फलस्वरूप दो परिवारों का मिलना, दो दंपतियों का मिलना, कन्यादान होने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाएगी। यहाँ के ही रहने वाले
बहुत ही माने जाने और प्रसिद्ध सज्जन थे स्वर्गीय हमारे भाई श्री विजय पाल जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र ललेश प्रसाद जी और रेशमी माला नारिया के ही रहने वाले धार्मिक सज्जन और आज उनकी लाडली बेटी का विवाह संस्कार राधिका और राधिका यहाँ ही शिक्षा ग्रहण की मेरे ख्याल से हाई स्कूल और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना जो भी पढ़ाई उन्होंने किया है और उसको संपन्न की है। एक बहुत ही शिष्टाचार की भावना परिवार को जानता हूँ। साथ साथ आज जो बारात आई हुई है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से नैनी के माध्यम से, फिर आज सुबह तानवा ग्रुप ऑफ होटल रेकी रेकी के माध्यम से यहाँ पहुँची, जहाँ पर दूल्हे जो हैं वो श्रीमती वो सारी संसार को तबाह मचा दी। सभी लोग दुनिया भर में हैरान थे और जिसके वजह से आना जाना सब जगह ठप हो गया था। पश्चात इन्होंने इंतजार किया और वो आज घड़ी आई है। आज सावन मास की झूम की महीना है क्योंकि बढ़ती हुई चंद्रमा है आकाश में और साथ साथ आज तीजी तिथि है और एक दो दिन बाद नाग पंचमी की पावन पर्व है, रक्षाबंधन की पावन पर्व है और सावन मास हमारी जो भारतीय कैलेंडर है उसमें बहुत शुभ माना गया है। ऐसे तिथि में आज ये विवाह संस्कार की ज्योति जल रही है। भाइयों बहनों, ये विवाह संस्कार जो मैं आज आप लोगों के समक्ष में पेश कर रहा हूँ, ये पति और पत्नी रूप प्रतिज्ञा करने के मेल से होता है। मानव जीवन का जो ये शरीर है ये 16 संस्कार में बांटी गई है। आज इस लग्न मंडप के अंदर में ब्रह्मा की बनाई हुई इस मंदिर में वर और वधु बिल्कुल अपना ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त कर देंगे और ग्रस्त जीवन में प्रवेश हो जाएंगे और जकड़ देने के बाद वो जीवन भर चिरस्थाई बना रहता है। यही जीवन, यही विवाह संस्कार सरल रूप में इसको कहते हैं। हुए धीरज रख करके और आज वो दिन तिथि मुहूर्त इन्हें मिली है जो मुहूर्त सदा सदा के लिए इनके सर पर आशीर्वाद बन करके गंगा बन करके और साया बन करके बहती रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय भागा जा रहा है। कुछ लोगों को लगभग 4 बजे मेरे ख्याल से फ्लाइट लेना है, नैनी से जाना है, इसलिए विवाह संस्कार को मैं एकदम शॉर्टकट भी नहीं। किसी ने कहा 15, मैंने एक विवाह संस्कार कराया अनाउंसर का सुबह में कुछ दिन हुए और उन्होंने कहा 15 मिनट में कर देना, मैंने 20 मिनट में किया वो विवाह संस्कार और 1 साल बाद छुट्टा छुट्टी हो गया। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, कुछ देर लगेगा, खास चीज है जो उसको करना होगा। विवाह संस्कार जीवन में आप लोग के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हर नर नारी के लिए जिस दिन विवाह होता है बहुत खुशी का दिन होता है। आज खुशियों से आप भरे हैं और आज हर समय और राधिका मुस्कुराती हुई थी, हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान रहते थे। बहुत आदर भाव के साथ हम सब को उन्होंने आदर किया है, जो आदर दिया है। यद्यपि मैं एक विवाह संस्कार यहाँ पर आने वाला हफ्ता फिल्म करना था लेकिन मैं सुबह जा रहा हूँ, पहले से बुकिंग थी, नहीं करा पाया, लेकिन आज मुझे सौभाग्य हुआ राधिका का विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए। भगवान का वरभस या आशीर्वाद के हस्त आप सभी के ऊपर रहे जब तक विवाह की कार्यवाही जारी रहे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल खामोश रहें, शांत भाव में बैठे बात करें, आस्ते में करें और ताकि कोई प्रकार के विघ्न बाधा ना हो। अंत में सभी को धन्यवाद और जय श्री राम। ठीक है, कन्या अपने माँ के साथ लग्न मंडप के अंदर में बैठी हुई कुछ पूजन करेगी। लड़का हाथ इधर बेटा वाला उधर कर लो। ठीक है, ओम ओम हस्त प्रक्षालन भी नहीं होगा। ठीक, हाथ धो लो, यही हाथ में पानी लेना है और ओम हरि ओम अमितो विधान मसीह स्वाहा, ओम अमितो विधान मसीह स्वाहा,
ममेतो विधान मसी स्वाहा हाथ पर कर लो है परिचालन बाया हाथ में जल ले लो अब लेफ्ट में और इंद्रियों को शुद्धि करें। ओम ओम वांग में तो अच्छी मुख में अब नाकों में न सूर में प्राण वस्तु आंखों में अब सूर में चतुर मस्तु कानों में करणोर में श्रोत मस्तु बाहुर में बल मस्तु ओम उर्जोर में अजर वस्तु ओम हृदय में शांति वस्तु ओम अनस्थानी कनु कनुआ में सहा संतु जिज्ञ हाथ पवित कर लो बेटा हस्त पर छालन विनियोगा ओम पैची धारिणी और भूल ले लो कन्या अपने माँ के साथ गणपति की पूजन हो चुकी है और हाथ में फूल ले लो और और चले माँ गौरी के शरणागत में आज अलविदा हो जाएंगी आप एक घर आंगन से और शरण ले रही हैं माँ गौरी का कि हे गौरी मैया और आज से माँ नहीं रहेगी संग में हर रात्रि को माँ रहती है और सुबह या शाम माँ रहती है भोजन पकाती है काम पे जाते हैं बच्चे लेकिन अब आज से नहीं होगा इसलिए माँ गौरी संसार में अवतरित हुई है हर नारी की माँ बन करके हर कन्याओं की माँ बन करके याद कर लेना गौरी मैया को जब माँ की याद आए परिवार की याद आए गौरी मैया पूर्ण करेंगे उनके चरणों में हम लोग अब पूजन संपन्न करें। हरि ओम श्री गणेशाय नमः ओम विघ्नेश्वराय नमः ओम गौरी पद्मासी मेला सावित्री दया विद्या मातृकाय नमः जयंती मंगलकाली भद्रकाली पाली दुर्गा क्षमा ज्वालाद्यादा शक्ति पारा शक्ति महाशक्ति ओम या देवी सर्वभूते गौर जाय रूपेशु संसिता नमस्तस्य मणिचिरगमिता। ठीक है सिंधूर थोड़ा गिराए दो चुटकी से उठा के कर दो हाँ सिंधूर समर्पयामि महागौर जाय माताय नमो नमः लोंगलैति समर्पयामि। ओम और गौरी मैया का ध्यान पूर्वक पर पूजन अर्पण कर लो। ठीक है माँ लक्ष्मी की पूजन आप स्वयं लक्ष्मी रूप में हैं जहाँ पर भर आज विष्णु रूप में हैं खाली दिया छू लो बेटा आज 16 कलाओं से उद्भासित हैं और कार्तिक मास दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी 16 कलाओं से उद्भासित हो आती है आज उसी रूप में माँ लक्ष्मी की आगमन हो कृपा आशीर्वाद की गंगा आपके सर पर बहती रहे जीवन खुशियों से भरी हो और माँ लक्ष्मी का हम लोग ध्यान करें। मैया जिस घर आंगन में माँ लक्ष्मी की पूजन होती है वो घर आंगन में अन्न धन की सरिता और गंगा सदैव बहती रहती है। मैया लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी नमस्तुभ्यम दयानिधि जगज्जननी भवानी सरस्वती माँ नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भम करिष्यामि सर्वभयो सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि। सिंदूर से माँ बहुत प्रसन्न होती है सिंदूर गिरा लो वहीं दिया खेलत। ॐ सिंदूर अर्पणं समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः। ठीक है बेटा अब सूर्य आदि नौ देवता का ध्यान कर लो ग्रह को शांत करेंगे और फिर विवाह को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे तिथि मुहूर्त घड़ी में आज अपने माँ के साथ बैठी ग्रह भगवान की पूजन कर रही हैं और ग्रह देव महाराज सूर्य नारायण स्वयं है सूर्य नारायण का दिन है आज सूर्य पुत्र हैं शनि देव महाराज और उनकी पावन कृपा बनी रहे। सूर्य हनुमान जी के गुण हैं हनुमान जी की पूजन इस आंगन में होती है और संपूर्ण देवी देवता फूलों की वर्षा करेंगे। दुल्हन बनी आज 16 कलाओं से उद्भासित हुई हैं आप और अपने माता पिता की नाम को रोशन करने के लिए आज उनके ही कहे और मुताबिक अपनी विवाह संस्कार को संपन्न कर रही हैं। हम लोगों के हृदय में गौरवान पड़ी है जो अपनी संस्कार अपनी सभ्यता को बरकरार हमेशा रखी है और ग्रह देवता की पूजन है पुनः अपने नाम को अपने हृदय में धारण कर लो। ओम नवग्रहायाधीयधीपते नमः ओम मंगल ग्रह देवतायाधीयधीपते नमः ओम बुध ग्रह देवता बृहस्पति गुरु देवता शुक्र देवता
सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, राहु देवता, केतु देवता, ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांधकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुभ शनि राहु केतु आए सर्वे ग्रह देवता शांति करा भवंतु। चंदन फला लगाए दे बेटा, सुग्रह देवता की पूजन है, हमें ग्रह को बहुत आदर भाव से पूजन संपन्न करे ताकि कोई प्रकार के विघ्न बाधा आज आप ग्रह से अब रहित हो गई हैं। कोई ग्रह संकट रहा भी होगा तो आज सब पूर्ण हो गया वो ग्रह से। और अब हम देख रहे हैं कि कन्या के माता पिता अपनी लाडली बेटी को, ललेश एक धार्मिक सज्जन है, साथ साथ उसकी उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से सुशील, और ये घर आंगन की सबसे बड़ी है, पहली पुत्री का विवाह हो रहा है। और मैं जब कभी आता हूँ तो बहुत आदर और बहुत ऊँचा व आदर्श स्थान मिलता है, अक्सर तो आ नहीं पाता हूँ और हर अक्सर ललेश, लेकिन आज सौभाग्य हुआ उनकी पुत्री के विवाह संस्कार में। वो लाटा कहाँ तुमने रजता, हाँ दोनों बेटा ऐसे दोनों हाथ दोनों हाथ में, और भैया कहाँ, और मैं हर प्यार दिया, उन्हें मार्गदर्शन दी है, धार्मिक दृष्टि से उन्हें संस्कार डाला है। और जो कन्या सुबह और शाम अपने माता पिता के चरणों में झुकती रही, आज वो कन्या ये आंगन से अलविदा हो रही है। और अपने हृदय के टुकड़ों को आज यहाँ से, यहाँ पर वो प्यार आज समाप्त हो रहा है, लेकिन वो ममता जो भरी थी और आज वो दूसरे के अधीन चली जाएगी। और आज ललेश ये भाग्यशाली हैं दोनों दंपति जो कन्यादान करते हैं। जो प्राणी ये संसार में कन्यादान नहीं करते हैं उन्हें करोड़ों बरस तक नरक भोगना पड़ता है। आप दोनों भाग्यशाली हैं, भाग उदय हुआ है, कन्यादान करने की सौभाग्य प्राप्त हुई है श्री कृष्ण महाराज ने। और भगवद गीता में, गर्भ गीता के माध्यम से कहा कन्यादान महान होता है। और आप दोनों आज ये विवाह संस्कार में आए, अरे ठीक कहते हैं तो आप कहेंगे ओम स्वास्ति, मैं इस बाटा को स्वीकार कर रहा हूँ। अब कन्या के भैया गंगा जल लेकर के, मुन्ना कहाँ है आ जाओ, अच्छा ठीक है से आ जाओ, बदल से ऐसे छोड़ना पानी एकदम आस्ते आस्ते धार बनाए के। और पावन एक परिवार को उद्धार करती हुई और दूसरा में कन्यादान महान है, यहाँ गिराओ बना दानंता वहा गंगा वामही निधनंता वहा निधपति गंगा वामही प्रियवंत वा प्रियापति गंगा वामही वसु मम अहम जानी अधर गर्भ जासी। ओम गंगा यमुना सरस्वती गौमती प्रभावती सुरसरी त्रिवेणी कावेरी सिंधाए गुरु ओम हरि ओम हरि ओम। तस्सत् सर्वमंगल मांगले श्रे सर्व साधके शरणे त्र्यंबके गौरी सस्तीनो वृषर्वा सस्तीनो पूषा विश्ववेदा सस्तीनो यरिष्ठनेमि सस्तीनो वनस्पति ददातु कन्यादानं महाकल्याणं। ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति। ठीक है, इस प्रकार से अब आप अपना हाथ इधर करेंगे भैया, और जो ये दान है उसको भगवान की साक्षी और सगंध लेकर के कि आज से कन्या, अरे मम्मी आप हाथ लगाए रहो बेटा, तुम हाथ लगाए रहो भी, हाँ खाली तुम नहीं, तुम नहीं। और कन्या की माँ कह रही है नील से कि बेटा आज तक एक कन्या के रक्षक करता मैं था, लेकिन आज के दिन से आपके हाथों में दे रहे हैं और इसे आप अपने ग्रस्त जीवन को उज्जवल करेंगे और आशीर्वाद की गंगा आप पर और कन्या पर बहती रहेगी। ओम द्वादे बाराय कल्पे अस्तमिस्ते वायु बढ़ते समय कलयुग प्रथम चरण जम दीते भारत खंडे प्रशांत महासागरे
फेरी रमई दीपे राखी राखी जिला नारिया ग्राम तिथि तीजी सुकल पक्षे अमुख मासे मासा नाम महामंगल महामंगल सावन मास है विक्रम सम्मते अमुख वासरे रविवार वासरे सुभा काल बेला कन्या लक्ष्मी स्वरूपा कन्या दानम महाकल्याणम सर्वकाल सिद्धिर मे भवन्तु नारायणं वासुदेवं। ठीक है अब वाला उधर पास कर दो और अब पैर आप लोग दोनों जने इधर करना प्राण पूजने की आज इसलिए आप लोग पांव पूज रहे हैं क्योंकि वो विष्णु और लक्ष्मी रूप में है इसलिए ओम विराजो ओम विराजो दुहा पाल हम पाल हम पर पैदल कर लो राइट ले हाँ ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धिशर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नैन्द्रो वरिष्ठनेमी स्वास्ति नैन्द्रो वनस्पति धरातु। ठीक है और अब खड़ा हो जाओ दोनों जने आशीर्वाद दे दो। ओम आहिष्मान भवा कल्याण धनवान पुत्रवान बलवान चावल ले रोल लाइन के लिए आ जाओ और रिमन जो कंगन है वो बांध दो कन्यादान हो गए हैं कन्यादान करे ठीक है ओ ठीक है पीछे लेकर ठीक है बेटा फिर पैर पानी छोड़ दो बस थोड़ा छोड़ो ये नहीं छोड़ लो यार बस हाँ पानी छोड़ लो इसमें ओम विराजूद बस बस थोड़ा से हाँ इसे पैर उन्हें लगाए कैसे धोलो ओम विराजूद ओम विराजूद वहा पाद्यम पाद्यम पद पक्षालंग विनियोगा। ठीक है हाथ पवित्र कर लो अपन हाथ धो लो वही मेरा एक से इधर कर दो ना उलग चल कर लो भाई घर में कहीं जर करो एक एक करना एक मिनट एक मिनट ओम स्वस्ति लड़की घाट में ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धिशर्वा स्वस्ति नैन्द्रो केशा विश्ववेदा स्वस्ति नैन्द्रो इष्टनेमी स्वस्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु और आशीर्वाद दे दो। देखो यहाँ पे नाव के यहाँ पाँव जब पूजा जाए तो कुछ दक्षिणा देख जावा जाए एकदम वैसे नहीं खां नहीं तो दूर आ रही जाए काम खां। ठीक है दूसरा जन आ जाओ उसी ढेर मौसी है और सौभाग्य है कि आज हाँ अपना अपने नाम को अपने हृदय में धारण कर लेना विष्णु व लक्ष्मी रूप में आप दोनों दंपति पांव पूजने की निष्क्रिया को संपन्न करने जा रहे हैं। ठीक है पैर इधर भैया पैर तीन दाएं पखाड़ के मुन्नी और माथे चढ़ा लो ओम विराजो दहु ओम विराजो दुहा पाद्य हम पद पक्षालन विधि होगा राय के हाथ धो धो लो हाँ ओ नहीं पानी दो भाई यार धो लो भाई हाँ छोड़ दो हाथ आप धो लो अपना हाथ या इसमें भाई आप इधर हम धो लो हाँ ठीक है सब पानी धो दो भाई इधर कर दो वही छोड़ दो राइट है ठीक है राइट यहाँ लोटा रख लो राइट ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धिशर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नैन्द्रो वरिष्ठनेमी स्वास्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु। ठीक है अब खड़ा हो जाएं आप दोनों या आशीर्वाद दें आयुष्मान भवा कल्याण धनवान पुत्रवान बलवान बुद्धिमान और पांव पूजने के समय क्रिया को संपन्न कर रहे हैं ऐसे सुंदर है अवसर पर और सौभाग्य प्राप्त हुई है लक्ष्मी और विष्णु रूप में इसलिए जब विष्णु भगवान का रूप और माँ लक्ष्मी का रूप धारण करते हैं
तपा पूजने की सौभाग तीन बार विराज ओम विराज उदुआ ओम विराज उदुआ पाद्यम पाद्यम पद पक्षालन भी होगा ठीक है। और पानी में हाथ धो लो सब फंसते रहो राइट ठीक है। इधर कर दो वह इधर कर दो दोनों उधम दो खाए चल रहो हर मकई झर बजाए ओम शास्त्री आज में फूल छोड़ो कुछ लोगों को आज फ्राइड के करना है शास्त्री नो वनस्पति धगा तू ठीक है पास कर दो दूसरा जने आ जाओ अरे भाई चन्ना चावल से आशीर्वाद दे दो ओ जय चांदी दे दे दो सब कोई गड़बड़ नहीं है आशीर्वाद सुबह और शाम रहे ठीक है आ जाओ और पानी छोड़ दो और ओम ओम विराजो दहु ओम विराजो दुहा ओम पाद्यम पाद्यम तीन बार पैर पे ओम पाद्यम पाद्यम पद प्रक्षालन भी होगा ओम पद प्रक्षालन भी होगा हस्त प्रक्षालन हाथ पर भी कर लो अपन हाँ तीन दही माथा चढ़ाओ विराजो दहु ओम विराजो दुहा पाद्यम पाद्यम पद प्रक्षालन भी होगा ठीक है पानी झुल दो ठीक है। ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृक्षर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विषभेदा स्वस्ति नैन्द्रो वरिष्ठनेमी स्वास्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु आयुष्मान भवा कल्याण भगवान ठीक है। दोनों जने बेटा विष्णु लक्ष्मी रूप में पाँव पूजने की पुण्य पावन प्राप्त हो रही है ओम विराजो दहु ओम विराजो दोहा पद प्रक्षालन हाथ अपन पवित्र कर लो फिर हस्त प्रक्षालन भी होगा और पानी धुल दो सब थाली में इधर कर दो ओम ओम वस्त्रदानम अधिष्ठदानम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ मंगलम कुमिकाक्षाय मंगलाय तनु हरि ठीक है। आशीर्वाद दे दो आयुष्मान भवा कल्याण भगवान चित्रवान भगवान बुद्धिमान ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृषर्वा स्वास्ति नेन्द्रो पूषा विश्वेदा स्वस्ति नेन्द्रो अश्विनी स्वास्ति नेन्द्रो वनस्पति ददातु और मांगो तो जम्पा हो जाए एक जने छुया हो सब कोई ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम कुनिकाक्षाय मंगलाय तनु हरि ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति ठीक है। खड़ा होकर आशीर्वाद दे दो आयुष्मान भवा कल्याण धनवान पुत्रवान बलवान बुद्धिमान विराजो दोहा पाद्यम पाद्यम पद प्रक्षालन विधि योगा राइट भाई हाँ ओम स्वस्ति नैन्द्रो विदिशर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विश्वेदा स्वस्ति नैन्द्रो अरिष्टनेमी स्वस्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु विराजो दुहा पाद्यम पाद्यम पद प्रक्षालन भी होगा ठीक है। अब इधर कर लो यहाँ दे दो पानी भी झूल दो ओम ओम स्वस्ति नैन्द्रो विधि शर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विभ्रद स्वस्ति नैन्द्रो ओम स्वस्ति नैन्द्रो वरिष्ठनेमी स्वास्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु खड़ा वे आशीर्वाद दे दो आयुष्मान भवा कल्याण भगवान शरीर और राधिका आप जनाए आज बिल्कुल बाइसकल चला रहे हैं आप लोग और ये भाव हो रही है क्योंकि आगे फिर पीछे फिर आगे पीछे ठीक बेटा ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृषर्वा स्वास्ति नैन्द्रो पूषा विषभेदा स्वस्ति नैन्द्रो वरिष्ठनेमी स्वास्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु आशीर्वाद दे दो आयुष्मान भवा कल्याण धारण करती रही आज वो कन्या विदा हो रही है और आदि के साथ वो हमेशा रहती थी
और आजादी पांव पूज रही है, क्योंकि अपने प्रिय राधिका को आज अलविदा कह देगी। लेकिन ये जीवन है, जीवन में हमें संघर्ष करना है, हमें अपने धर्म को निभाना है और भाग्य का ठीक है फूल रख दो भाई आप। ओम स्वस्ति नहीं रो हाँ दे दो बात में ओम स्वस्ति नहीं रो विधि शर्वा स्वस्ति नहीं रो तुषा विष्णुरा स्वस्ति नहीं रो इष्ट देवी हमारे आशीर्वाद दे दो। ओम माहिष्मान भवा कल्याण धनवान पुत्रवान बलवान मान आजाद हेरागी आ जाए और सागुआ से और ओम तीन बार पैर पकार के माथा चढ़ाए लो आशीर्वाद की प्राप्ति आज इस रूप में। ओम ओम विराजो दहु ओम विराजो दोहा पाध्यम पाध्यम पद पक्षालन विनियोगा पानी विधो हस्त सालन विनियोगा या ठीक है। ओम स्वस्ति नहीं रो वृक्षवाम स्वस्ति नहीं रो भूषा विश्ववेदा स्वस्ति नैन्द्रो अरिष्टदेवी स्वस्ति नैन्द्रो वनस्पति ददातु ठीक है नीचे कलाय का आशीर्वाद दे दो। आयुष्मान भवा कल्याण धनवान पुत्रवान बलवान बुद्धिमान आशीर्वाद के साथ कृपा कर लेने के बाद फिर वो मागरिक हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी और बसने के लिए सिडनी और उनकी यादगारी बनी रहेगी। इसलिए को उपहार को हम ओम सर्व मंगल माँ गौरी के नाम से सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वथा के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यही अर्ज करते हैं कि गौरी मैया सदैव रक्षा करेगी, कृपा बनी पे रहेगी। संसार में कहीं पर रहना है तो जीवन सुख और शांति में रहे यही इरादे के साथ आज ओम स्वास्थ्य ले लो बेटा। और अब तुम लोग तीनों जने ठीक उधर कर दो चावल ले लो राइट खड़े हो जाओ और आशीर्वाद दे लो जी के। ओम स्वास्थ्य ओम स्वास्थ्य ओम स्वास्थ्य ठीक बेटा ऑनलाइन के लिए आ राइट बोला नहीं आशीर्वाद में आयुष्मान कल्याण ओके ठीक है भैया उकाम अभी आपके लाइक दे बंद हो हम देखेगा आपके मिले कुछ हाँ देरी हुए शादी के बाद में दाहक पाठ और फिर क्या होगा सिंदूर दान होगा दाहक पाठ और शिष्टाचार होगा और आज इसी प्रकार से विवाह की अंतिम घड़ी में हम लोग आन पड़ेंगे और यज्ञ को ये करने जा रहे हैं। स्पून में दे दो भैया बाल लो माची से। ओम कर्पूर गौरंग करुणायतारंग संसार सारंग भुजेंद्र हारंग सदा वसंतम हृदयादविंदम भवं भवानी सहित नमामि तीन जय मना। ओम अग्निर्जोता अग्नि कर दो खुले ओम अग्निदेवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ओम भर्वस्य स्वाहा तीन बार दे दो आत्मन कर दे तीन बार पढ़ी दर। ओम आय कासुवाहिनी गंगा कर मध्ये त्रिलोके पावनी निर्मल गंगा जल आत्मनियम एक संविधा दे दो एक खाली अगरबत्ती खोल के हाली से और ये संविधा लिए हुए जिस अग्नि में माँ गायत्री वास करती है जिस अग्नि को हम ब्रह्म रूप में देखते हैं जिस अग्नि में आज सूर्य भगवान की चीर सूर्य भगवान की पावन कृपा आज के दिन समस्त पापों को आज वो भस्म कर देगी सांचित पुण्य मिलेगा आशीर्वाद की गंगा आप दोनों के सर पर बहती रहेगी प्यार जीवन भर छलकती रहेगी अन्न धन से घर आंगन सदा बढ़ती रहेगी और यही असली है। आज संविधा जब स्वाहा बोलेगा तो स्वाहा बोल के डाल देना बाबू ओ एक और ले लो एक और कहाँ गए ना एक लकड़ी ले लो भैया उन्हें ये भी नहीं छोड़ा ना बस एक खलिया हम स्वाहा बोले तब छोड़ना आशीर्वाद
ओमयन्तैर्मय आत्मा जातवीरसि वदस्वति विधाविधाया चास्मान् प्रजाया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नान्देन सन्धाये स्वाहा। नमस्कार कर लो इधम जाद बेस्ती दया आचमन कर दो या पानी से राइट राउंड ओम की स्वाय नम ओम राधवाय नम ओम माधवाय नम। अब घी ले लो अवगला हम बोलेगा ने स्वाहा इन नम बोलेगा उसमें चक्का लेना पिया लीजिए अग्ने स्वाहा इन अग्नेम ओम सुमाये स्वाहा सुमाय नमः। ओम व्यनाये स्वाहा व्यमाय नमः। ओम इंद्राये स्वाहा इंद्राय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः। ओम भुवाये स्वाहा भुवाय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे नमः। फिर तीन बार आत्मन कर दो ठीक है। ओम केशवाय नमः। ओम राघवाय नमः। ओम माधवाय नमः। निर्मल गंगा जले आत्मनियं समर्पयामि। हवन सामग्री ले लो स्पून है उसमें ठीक और नगीचे कर दो बहुत दूर पड़े मैं जना है नील के हाँ नमः स्वाहा। ओम एक दंताय नमः स्वाहा। प्रजापते नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। इष्ट देवताय नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। पंचलोकपालानी देवाय नमः स्वाहा। दिगंबराय नमः स्वाहा। विशंबराय नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। हिरणान गर्भगय नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायण वयो नमः स्वाहा। ब्रह्मदाय श्री स्वाहा। तुलसी माताय नमः स्वाहा। शैल कुमारी सिंह वाहिनी विष्णु थले विष्णु विष्णुवे नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। मणे नमः स्वाहा। जय सिया राम जय हनुमान। शिव शंभु देव आदि देवाय नमः स्वाहा। हर हर महादेवाय नमः स्वाहा। शंकराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम देव सविधुरतानि पराशुवाय अग्रभद्रम यगदेवा जगदेवा ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ठीक है घी बचा हुए तो धार बनाए छोड़ दो। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्व वै पूर्णा गंग है पूर्णहुति नहीं होती है केवल माँ गायत्री के नाम से विवाह में पूर्णहुति नहीं होती है सॉरी। तीन बार आचमन कर दो बाबू गिलास पानी से। ओम आकाश वाहिनी गंगा कर मध्ये त्रिलोकी पूपाउनी निर्मल गंगा जले आचमनियं समर्पयामि। ठीक है यज्ञ भगवान को आप दोनों नमस्कार कर लेते हाथ जोड़ करके और यज्ञ देवता की जो आशीर्वाद है ये जो खबर विभाग की वो ब्रह्म लोक तक पहुंचाएंगे लोक लोकांतर में कि आज यहाँ पर दो दंपतियों का विवाह हुआ है और अब हम लोग आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा उंडा वाया और इधर को जगह बनाए दो हैं आप लोग भावर को। वो आपके घर पर आज मालकिन बन करके जाएगी। मालकिन बन कर इसलिए नहीं कि आपके ऊपर वो बोझ करेगी या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ जो महाशक्ति के रूप में जा रही है इसलिए वो रूपरेखा में और प्रथम अग्रवाणी जो होती है वो करेगी। याद शक्ति प्रथम होती है और याद शक्ति के अधीन ये सारा संसार है। हम जितने सनातन धर्म के मानने वाले लोग हों
इसलिए हूँ। और आप देखेंगे कि धान को आप अगली में जला दें तो भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है और घुल मिल जाता है। उसी प्रकार से कितना भी संकट आएगा आप दोनों पर, आप दोनों उसी प्रकार से डट डट करके और एक दूसरे के साथ हो करके जीवन की हर मुश्किल को तोड़ मड़ोड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आ बेटा मान दो, कितना देरी लगे भाई, बनता रहेगा, ठीक है यहाँ। ओ आए ठीक है राय। और आगे राधिका चलेगी लक्ष्मी रूप में, सदा आनंद रहे यही आए नमः स्वाहा आए नमः। दूसरी परिक्रमा आप दोनों आगे आगे राधिका उनके पीछे, आप बार ब्रह्म भगवान यज्ञ देवता से विनय कर रहे हैं कि भगवान कभी हम दोनों को यह अवसर न मिले हम एक दूसरे से। तीसरी और अंतिम परिक्रमा की अगवानी आज राधिका करेगी। आज वो दुल्हन बनी राधिका तीन परिक्रमा की अगवानी के लिए उपचार और बचा है। तीन जो है वो वेद रीति है और चार जो है लोकाचारी है, लेकिन इसको हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हम सभी सिद्धांत को हमें मानना होगा। जो लोकाचारी होता है धर्म नीति कुल रीति सबको हम लेकर के चलते हैं। और आप अगवानी करेंगे क्षीर सागर में, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब श्री नारायण हरि भगवान विष्णु और परिक्रमा करते है अश्विन आप करेंगे, आप प्रथम रहेंगे, आपके पीछे राधिका रहेगी। आप दोनों ईश्वर से प्रार्थना पल पल में और पग पग में कर रहे हैं कि आप दोनों को कभी यह अवसर न मिले, कभी एक क्षण तक आप एक दूसरे से बिछड़ रहे। मंगल गीत की शुभकामनाएं हो रही हैं, अग्नि की फेरा आप लोग कर रहे हैं, जीवन में सौगंध और साक्षी के रूप में बना रहेगा, ठीक बेटा। तुम्हारा
भावर भी आप अगुवानी करेंगे और आपके पीछे राधिका रहेगी। पल पल में और पग पग में विनय कर रहे हैं आप दोनों को कभी अवसर न मिले एक दूसरे से कभी बिछड़ सके जीवन के हर की तरह एक एक पग आप लोग के यज्ञ में बदल रहा है। अग्नि देव प्रसन्न होते सूर्य भगवान आकाश मंडल पर आज खिले हुए हैं। सावन मास की बहारों में आप दोनों की विवाह निज मंडल पर हो रही है। पार ब्रह्म भगवान की पावन कृपा एक दूसरे से बिछड़ सके यही संकल्प के साथ आप लोग फिर अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। ओम स्वास्ति चलते रहो बेटा मंगल की। हर खुशियां छाए है जनक भवन में खुशियां छाए है जनक भवन में लोहड़ा है आप दोनों उसका पूजन करते हैं पहले और उस जो सिल लोहड़ा है वो गौरा मैया और शिव शंभु देव आदि देव का एक चिन्ह है और कोई भी कभी भी कोई ऐसा अनुकरण आ जाए तो सिल लोहड़ा के तरह वो पिस जाएगा। इसलिए आप लोगों के दोनों के मध्य में कोई अनबल जो करेगा सिल लोहड़ा की तरह पिस जाएगा। ऐसे शंकर भगवान और गौरा मैया की पावन आशीर्वाद दोनों जने मुन्ना हाथ जोड़ करके और शिव शंभु देव आदि देव जगत जगत के अंतर्यामी हैं मयो भवाय चाय नमा शिव तराय चाय नमा शंकराय चाय नमा। ठीक आओ वश में यज्ञ में बदल चुकी है सात सागर की तरह और सात सागर के सात नदियों की जल गंगा गोदावरी उसी रूप में आप लोगों ने परिक्रमा किया उस गंगा जल की आशीर्वाद सदैव गंगा बनकर के आशीर्वाद के रूप में साया बनकर के आप दोनों के सर पर बहती रहेगी। धर्म को यज्ञवानी करने वाला माता पिता के आज्ञानुसार अपने विवाह को करने वाला माता पिता के चरणों में झुकने वाला प्राणी ये संसार में कभी खाली नहीं जाता है। वेदों की वाणी संतों की वाणी रामायण की वाणी और साथ साथ गीता की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। प्रथम जो पांव आप लोग रखेंगे इसलिए कि आप दृष्टि में जीवन में चले जाएंगे और जीवन के हर पहलू पर और जीवन का एक आधार जो होता है संसार में अच्छे पुत्र या पुत्री का जन्म संतान का जन्म दे करके खुद की जीवन अपने परिवार की जीवन अपने देश की जीवन अपने ग्राम की जीवन को आप लोग ऊँचा उठाएंगे कि हम दोनों आज जो बंधन में हैं उस गृहस्थी जी के आधार पर इसको सदा अच्छे संतान दे करके और जीवन को निर्माण करेंगे। खुशियों के साथ आप दोनों की जीवन अवध बहती रहेगी। आप दोनों लेफ्ट लेग को आगे करें लेफ्ट लेग हाँ बराबर कर लो बराबर कर लो हाँ दोनों
सका भाव से रहने के लिए। सका भाव मतलब ये है कि बहुत ही कभी कभी विवाह हो जाता है और वापस में लड़ाई होती है। लड़ाई होनी जरूरी है, गुस्सा करना कभी कभी जरूरी होती है। कोई भी दंपति चाहे पति या पत्नी गलती कर ले, पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसको सही करो, ये नहीं कि उसको गुस्सा मान ले और उस पर नाराज हो जाए। तो सका भाव से मतलब भावना से जो गुस्सा होता है, भावना से होता हो, जो विचार से होता हो, अच्छा होता है। ये नहीं कि हम अपने में लड़ लें, किसी को मार दे, फिर हमें जाना पड़े अदालत में, ये सब नहीं। भावना से बात की से होती है सब चीज, बैठने से, डायलॉग से होती है और विचार से होती है, और सखा भाव से रहना जरूरी है। आप कहीं पर जाएं, अगर पति पत्नी लड़े लगे तो क्या होगा, आपको भागना पड़ेगा। औरत आदमी घर के जो पति और पत्नी है वो जो लड़ते हैं, आप मेहमान बन करके जाए, आप वहाँ पर नहीं रुकेंगे, भाग जाएंगे। तो इसी प्रकार से हर समय सखा भाव से रहना आपकी प्रथम कर्तव्य है। ओम स्वास्थ्य, ओम स्वास्थ्य। ठीक है, अब जो आप लोग कदम ले रहे हैं गाय आदि की पालन करना, मैं जानता हूँ तस्वीर में नहीं होगा, लेकिन जरूर पेट खोगे जो कुत्ते फूसी उनको भर पेट भोजन देना, अतिथि को भोजन देना, घर पे मेहमान स्थान देना, जो कोई अगर घर पे चला आए उसको आप भोजन दे दिए, एक प्लेट भोजन से आपके घर में दूना वो भर जाएगा, ऐसी पार ब्रह्मा भगवान की कृपा होती है। कभी किसी को देने से है कभी कम नहीं होती है, बढ़ती होती रहती, इसलिए वेदों की वाणी कभी खत्म नहीं, खाली नहीं जाती है। इसलिए याद रहे, कोई घर पर आया और मेहमान आया, उसको भोजन बना करके दे और गौ आदि की सेवा करें। यहाँ तो लोग गौ कम कर दिए हैं, भेड़े और बकरी खेती करते हैं और खुद के जीवन को चलाने के लिए हमारे धर्म के अंदर में बतलाई गई है, पहला कमांड इस शरीर को कब्र मत बनाओ। तो याद रहे, अगर गौ की सेवा करें कहीं पर भी हो, रोटी बनाकर गौ को दे दे तो प्रसन्न होगी, आशीर्वाद। ठीक बेटा, सबको देखभाल करें। आगे जो आप लोग पग ले रहे हैं, ये पग इसलिए ले रहे हैं कि जीवन की जिम्मेदारी अब आप आज से आप लोगों के हाथों में हो रही है। अभी तक अकेले अकेले माता पिता कर रहे थे, लेकिन आज बोझ आप लोग के ऊपर हो गया है, और वो बोझ को बहुत ही भावना के साथ आप दोनों को तय करना है और विचार करके, ताकि अब घर में अन्न धन होगा, संतान होंगे, विद्या पढ़ाना होगा, और गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर आश्रम है, सभी आश्रम में से सबसे महान माना गया है। इसमें पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, राम कथा करना, भगवान की कथा सुनना, जो भी कुछ धर्म नीति से होती है उसको आप लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और गृहस्थ जीवन को सुख और शांति बनाते हुए ओम स्वास्थ्य, ओम स्वास्थ्य। फिर अपनी अपनी जगह पर आना, चाहे गरीबी हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कैसा वातावरण क्यों ना हो, उसको सहन करने के लिए और साथ साथ पतिव्रता धर्म के पालन के तट पर आज वो संकल्प ले रही हैं, तो मैं आपको अपने वाम अंग में स्वीकार कर लूँगा। राधिका हाथ जो लेती है माँ गौरी के चरणों में, ये भाव प्रकट कर रही है कि मैया गौरी, मैं सदैव अपने धर्म के पालन के तट पर रहूँगी। आप कहेंगी वो स्वास्थ्य। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर तो और अब थोड़ी अपना अश्लील आप चलिए चावल आप चलिए चलिए अच्छा सलील, याद रहे आज एक कन्या आपके घर चली जाएगी, आज के दिन से बिना कुछ छुपाए आपके जो कुछ है उसको जानकारी देना, पितरों के पूजन के लिए, धर्म कीर्ति के लिए, कुल रस्म रिवाज के लिए उसे कुछ आपको छुपाना नहीं है। आज उसे आप ले जाएंगे, उसको बताएंगे और अपनी जो जो रस्म रिवाज है उसको बताएंगे, घर में जो कुछ कार्य है उसको बताएंगे, और साथ साथ
हर नारी अब वो कोई भी पुण्यदायी कार्य में वो आपके वामन में रहेगी। और कहीं जब दुख पड़ता है या युद्ध लड़ाई बड़ाई होती है तो कन्या की पत्नियां को पीछे रहना चाहिए, पति को आगे होना चाहिए। और इसलिए वो और आप सदैव जहाँ पर पत्नियां पति वर्ग का धर्म पालन करती हैं, पुरुष का भी काम है कि पत्नी वर्ग का धर्म को पालन करूँ। और आपको ये धर्म पालन करना होगा। और अगर इसको आप स्वीकार कर रहे हैं इन वाचा को, आप कहेंगे ओम स्वास्ति, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुलिकाध्याय मंगलाय तनुहरि। आप दोनों खड़े हो जाए, अब आपकी जो दिशा है वो मुड़ जाएगी। राधिका राधिका वाम अंग में चली दीप्ति दे करके और सदैव सब वल से उपरांत वो स्वाधीन बनी रहेगी। इस प्रकार से अपने जीवन को अपने पति परिवार के साथ और निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करेगी। और सिंदूर दान महान दान है, हर नारी का लज्जा है, हर नारी का मार्गदर्शन है, जिसे आज हाँ ठीक है। मंगल गीत की शुभकामना सदा सदा के लिए अमर रहता है जब तक जीवन रहती है कि मैंने ये धाक पाठ छोड़ा था। और इसी प्रकार से जिसको धाक पाठ छोड़ा जाता है वो भी रिश्ता लेकर के जीवन तक बिता देता है। और साथ ना इन कलश से ऐसे और सर से ऐसे सेवन टाइम से आए थे भगवान को जाना तो माया बहुत सजल देखा भगवान
यहाँ पर तैयारी कर लें और बिना देर गए हम लोग जो शिष्टाचार की बेला उसको संबोधित करें। जैसे पानी अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो उसका सेपरेशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से दो परिवार आज एक में मिल जाएंगे। और हम देख रहे हैं आज ये कन्या रिखा सनील के घर पर जा रही है, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ की जो खाने पर खाने पकाने की शैली है, देखिए सबके घर से जो भोजन बनता है कुछ दूसरे के घर से फर्क रहता है। कहीं कड़ा नमक होता तो कहीं एकदम माध्यम नमक होता है, कहीं मसाला ज़्यादा होता है तो कहीं मसाला रहित होता है, और कहीं ज़्यादा मांस मछली खाते हैं तो कहीं कहीं पे सब्जी। लेकिन ये परिवार बहुत सब्जी में लगा हुआ है। और नरेश जी बहुत ही धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, तो सबके घर के पूजा पाठ और दूसरे के घर के पूजा पाठ कुछ अलग रहती है। तो इस प्रकार से अब राधिका वो परिवार में आज से चली जाएगी अपने माता पिता और परिवार में। उनकी जो कुल इष्ट की पूजा है उस कन्या को अपना ही पुत्री मान करके उसके अपने ही रस्म रिवाज में अपने ही शैली के अंतर्गत उसको घुला मिला लें तो कोई प्रॉब्लम कभी खड़ा ही नहीं होगा। और हमें यही समझना चाहिए कि सब दूसरी की पुत्री अपनी ही होती है, दूसरी की माँ अपनी होती है, सभी माँ बहनें और बेटी जो संसार में आदरणीय होती है, सबके हृदय में इसलिए नारी जाति बहुत महान होती है क्योंकि उनके हृदय में वो महामाया याद शक्ति देवी भवानी का चिन्ह लहरा रही है। देवी शक्ति महान है और देवी शक्ति से सारा संसार पिरोया हुआ है, इसलिए उस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ दोनों परिवार के लोग बहुत ही सहनशील काम है, जो सुनील और उनके परिवार बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और आज सुबह से आप लोग आए, समय के अंतर्गत आप आए, हमें कभी कभी बरातियों को 12 बजे लौटना पड़ता है, लेकिन आपने जो कार्य आज आप लोगों ने किया बहुत अच्छा ही किया है। समय को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर आन पड़े हो, विवाह संस्कार संपन्न हुआ और खुशी खुशी आप अपने मंजिल पर लौटेंगे। शिष्टाचार की बेला है और अब हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद संबंधी भाई, क्योंकि ये शिष्टाचार धार्मिक बेला है। महान भाव को निकट जाएगी अपने परिवार से राजीम। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, पंडित जी बहुत बारीक से बहुत कुछ बता दिया है तो मुझे बहुत सही बोलना पड़ेगा राधिका बारे में, कुछ तो मैं बोलूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पंडित जी ने आप लोग को शिक्षा दिया है उन्हें होंगे उन्हें स्पष्ट करेंगे। अभी शिष्टाचार बोलो सुनो और उनका संस्कार, ये तेरवा संस्कार है। तेरवा संस्कार ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं, ग्रस्त जीवन में हम प्रवेश करते तो हर एक बीमारी होता है। पंडित जी बताए बहुत नहीं बोलूँगा, समय बहुत नहीं बहुत सत्ता पड़े हम लोग, लेकिन समय बोलूँगा
तो अगर विवाहित जीवन बिताना है तो सब जितना बात बताएंगे उस पर चलेंगे। और जो लोग की विवाह संस्था हो चुका हो भी सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कहीं मिलते हैं तो उसकी समान हो छोटा बड़ा कुछ बल होता है। तो जबकि जितने लोगों ने इसका सहयोग किया मैं धन्यवाद करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा समय है, क्योंकि अगर सहयोग नहीं होता सबके आशीर्वाद नहीं होता तो विवाह संस्कार कितने दिन से होता था भाई पूरा नहीं होता। पंडित जी ने विवाह संस्कार कराया कि जरा उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया पंडाल बनाने में, पावनी बनाने में, भोजन पकाने में, वीडियो शूटिंग वाले, ये जो ताशा बजाने वाले आए थे लोग गाने वाले, ये बहन जी है, और भोजन कितने परोसे, कितने सहयोग किया तन और धन से, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के सहयोग से ये विवाह संस्कार बड़ी पूर्ण हुआ है। उसे बोले तो बहुत कुछ है लेकिन मैं यही शनि और रात कर कहता हूँ, ये तो ऐसा देश में आते हैं कि वहाँ पर बहुत सुंदर जगह मैं देखा हूँ, और अच्छा से अपन जीवन व्यतीत करेंगे और अपने जीवन में सदा सबके आशीर्वाद इन पर रहे, सदा पूरे पड़े सब उनके पर भरपूर इनके रहे आशीर्वाद रहे, और प्यार दुलार से लड़की पाली गई है, और इसी तरह से माता पिता जब विदा करेंगे तो जानेंगे कि लड़की लड़की जब विदा होती है जितना भाई उनको खेत पहुँचता है सभी के पहुँचा सबके पहुँचेगा। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपना मन का जीवन है उज्ज्वल करे, और जहाँ तक पत्नी पत्नी का जो रिश्ता जिसे निभाना चाहिए वो निभाएंगे। बहुत यही कहूँगा पंडित जी, धन्यवाद। तालियों के साथ हम इनको अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें। धन्यवाद श्रीमान जी। देखिए वहाँ जो रास्ता है उसको कुछ जो गाड़ी हो घेरे हुए हैं, और हमसे भी बहुत खुश हैं कि विवाह संस्कार को समय पर अर्पण किया। आप लोगों ने जो अपना समय का मान रखा ये सराहनीय है, और मैं जानता हूँ बहुत अच्छी परिवार है इन्होंने, और अपना आकर के अपने धर्म कीर्ति को अपनाया, भले श्री राम के और विदेश में रहते लेकिन अपनी धर्म अपनी गीता और रामायण को अपने साथ ले गए और धर्म नीति को नहीं छोड़े। सज्जनों और देवियों उनके तरफ से जितने भी परिवार हैं जितने सब आए हैं उनको धन्यवाद देते हैं, भगवान से रख करते हैं कि सबके सबके सुख शांति और समृद्धि मिले, और विवाहित जो दंपति हैं उनके जीवन में बढ़ती होती रहे, और ये कहते हैं कि हम सब अपनी पुत्री आज खुशी हुई है क्योंकि हमें नई पुत्री मिली है, और उससे अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं और खुशियों के साथ ले जाएंगे, उन्हें हर प्यार और हर मार्गदर्शन देंगे, और कभी उनको कोई ऐसा दुख नहीं आएगा। एक ही उनकी शब्द उनके ओर से मैं बोल रहा था और मुझे ऐसी ही बतलाई गई है। भगवान का वरभस या आशीर्वाद के हस्त दोनों परिवारों के ऊपर रहे, भगवान की कृपा दृष्टि के तले दोनों परिवार अपना जीवन यापन करें और उसके मुताबिक अपने गंतव्य मंजिल को हासिल करें। जितने लोग आए हैं उन सबके सर पर भगवान की आशीर्वाद बरसती रहे, मेरी आशीर्वाद भी आप लोग पर गंगा बन करके टपकती रहे, और इस प्रकार से अब यहाँ पर आप लोग कलरुमा में शिष्टाचार में आए ठीक है। अब हम लोग एक प्रार्थना कर लिए और फिर शिष्टाचार की वेला को लगभग अंतिम चरण में ले जाएंगे। ओम हर्ष ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारण गगन सदस्यं मेघवर्णं सुमाननं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्याधारणं वंदे विष्णु भवहरिं सर्वलोकायकनाथनम्। ओम शांति शांति शांति। और आज संबंधी भाई को आप दे रहे ठीक है, ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति ठीक है। अब इधर ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति ओम स्वास्ति रख रहे
अगर हाथ में हाथ मिलाए और छाती छाती धरना धक्काने लग जाए और सबके इधर इधर भी मिला लो उधर मिला लो आप उधर मिला लो आप उधर मिला लो हम लोग बचा है आप पहले से मेहमान अक्सर चीनी रहे तो उसके सवाल कुछ हम रहे हैं एक पान हमारे वास्ते बचा दे पाया दोनों खा लियो मीठा पान हाँ अच्छा दुल्हन दुल्हा के चाचू ले जाके हाथ में दे दो चीनी खाता भैया दुल्हन दुल्हा के आज मेरा से यही है आप ठीक है आयुष्मान भव कल्याण जी के सर्व सर्वा आयुष्मान भव कल्याण तेरी सारी परेशानियां
मधाणिया हाय दे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया हाय दे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले मुझसे नजर चाहे मोड़ ले मेरी आंखों को तो ये हक मिला नहीं एक तू ही तो है तेरे जैसा यहाँ Thank you.
दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो,
दिलबरो बर्फ गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार